Assalamualaikum guys, आप देख रहे हैं खाली फर्नीचर्स। कटिंग करते हैं पहले 8x4 की शीट को, ताकि हम 3 टेबल की शेप में ले आए। 6 फीट इसकी टॉप है, 6 फीट इसको कटिंग करेंगे हम। अब हम इसको फाइनल साइज करेंगे 6 फीट। एंड अब हम इसकी साइड्स भी इसको कट करेंगे 20 इंच। एंड हम इसकी कलम करेंगे 45 डिग्री। एंड हम इसकी बादाम निकालेंगे बैक प्लाई के लिए, और हम इसको स्टैंड करके कटिंग करेंगे। एंड हम इसको फिट करेंगे ग्लू की मदद से, और हम एल्फी भी लगाएंगे। मैंने ग्लू लगाने के बाद हम इस पर बैक प्लाई पेस्ट करेंगे, 1.5-8 के स्क्रू लगाएंगे, और अब हम इसके साइड प्लाई फिट करेंगे ताकि वो सवा दिखे। और हम इसके बॉक्स ड्रॉअर बॉक्स को रेडी करेंगे, और हम इसको एल्पोनी की मदद से साइड प्लाई को फिट करेंगे। एंड अब हम इस पे स्क्रू लगाएंगे इस पट्टियों से। अब हम इसको फिट करेंगे स्टडी टेबल के साथ, और एल्फी लगाएंगे, फिर हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। एंड हम इस पे अब सॉल्यूशन पेस्ट करेंगे एक्रेलिक पर। हम सॉल्यूशन अब पेस्ट करेंगे हम स्टडी टेबल पे। अब हम इस पे एक्रेलिक पेस्ट करेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे साइड से, और हम इसकी कलम कटिंग करेंगे। अब हम इस पे लेग्स लगा देंगे छोटी, इसके ड्रॉअर कटिंग करेंगे हम। अब हम इसके ड्रॉअर फिट करेंगे एल्फी की मदद से। अब स्टडी टेबल को हम 1.5-8 के स्क्रू लगाएंगे। इसके स्लाइड्स फिट करेंगे ड्रॉअर बॉक्स पे। हम इसकी स्लाइड को फिट कर रहे हैं। हम इसकी स्लाइड सब हमें ड्रॉअर पे फिट कर रहे हैं। अब ड्रॉअर को हम रेडी करके अंदर भेज रहे हैं बॉक्स के अंदर। अब इस पे ड्रॉअर के जो फ्रंट्स होते हैं, इसको आम जुबान में फ्रंट मत्था कहते हैं, इस पे हम एक्रेलिक पेस्ट करेंगे। अब हम इसके फ्रंट को हम फिट कर देंगे ड्रॉअर के साथ स्क्रू की मदद से। तो हमारी स्टडी टेबल रेडी है। एंड अगर आपको अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।